स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। रेप कर बालिका को दफनाने की कोशिश, स्कूल संचालक के बेटे ने छात्रा को पीटा, अधिकारी नक्सलियों ने निशाने पर। अब खबरें विस्तार से। बालिका के साथ हुए रेप के मामले में एक और बात सामने आई है। आरोपी आतिश दिनेश यादव 30 वर्षीय घटना वाले दिन ही रात में पीड़िता को दफनाने की योजना बनाई थी। इससे पहले उसने बालिका के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसे पेड़ से बांधकर यादव वापस लौट आया था। संवाददाता ने बताया कि बालिका के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन बयान देने के हालात में नहीं है। स्कूल संचालक के बेटे ने की विद्यार्थी की पिटाई, किया सस्पेंड। नागपुर स्कूल के संचालक ने बेटे द्वारा स्कूल के 9वीं क्लास के छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित झारखंड के कई आईपीएस अधिकारी नक्सलियों के निशाने पर है। सर, मुख्यमंत्री सहित कई आईपीएस अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या ये मामला है? देखिए, वीवीआईपी सिक्योरिटी जो है झारखंड पुलिस की प्राथमिकता है, और जितने भी विशिष्ट महानुभाव हैं, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हैं या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हुए वरीय लोग हैं, तो सभी विशिष्ट महानुभावों की सिक्योरिटी का समय समय पे आकलन किया जाता है, और उस आकलन के अनुसार उनको जो आवश्यक, जो थ्रेट असेसमेंट के अनुसार जो आवश्यक सिक्योरिटी है वो उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ तक आपने थ्रेट की बात बताई है, ये थ्रेट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ थ्रेट क्रेडिबल थ्रेट्स होते हैं, कुछ थ्रेट जो होते हैं मतलब वेग टाइप के थ्रेट्स होते हैं। बट हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसी भी, चाहे वो वीवीआईपी हो या आम आदमी हो, अगर किसी को कोई थ्रेट होता है तो उसका पूरा थॉरली उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसका थ्रेट असेसमेंट किया जाता है और उसके अनुरूप उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाती है। माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का एक पत्र झारखंड पुलिस के हाथ में लग गया। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।